हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से पॉलीनोमियल्स की सेकंड वीडियो लेकर। चलिए चालू करते हैं जय श्री कृष्ण का नाम। इस वीडियो से पहले आप पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी टर्म्स बताई, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, उन टर्म्स का इस एक्सरसाइज में बहुत यूज आने वाला है। चैप्टर तो बड़ा छोटा है, तीन ही एक्सरसाइज है, उसमें से एक तो ओरल ही थी, बाकी दो एक्सरसाइज में भी इतने कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए तो करते हैं इस एक्सरसाइज का शुरुआत। देखिए क्वेश्चन पर फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। पहले तो बोल रहा है जीरोस निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपको आता है। क्लास नाइन्थ में आपने सीखा है स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म, इसी चैप्टर का पार्ट था एक्सरसाइज 2.4 का, मुझे याद है, तो वो आपको आना चाहिए स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म। मुझे पता है यहाँ पर बहुत लोग नहीं आता है, तो हम स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म भी आज ही सीखें। बहुत इजी है। देखिए पहले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको पता है जिसके दो जीरो हैं, मैंने पहले ही बता दिया, जिसकी डिग्री दो उसके जीरो। इस पॉलीनोमियल को पहले हमको जीरोस निकालने हैं, फिर हमको उसकी वेरिफिकेशन करना। इस तरफ आप अभी ध्यान रखें, इस तरफ बात करेंगे, पहले हम जीरो देखिए। पहले पॉलीनोमियल लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब अपने को निकालने दो जीरोस, दो जीरोस का मतलब क्या है, एक्स की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा जिससे मेरा आंसर आ जाए जीरो, ये होता है जीरोस का पॉलीनोमियल का मीनिंग। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो कि सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो ये रहती है कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 × 1, अब 1 मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, 8 × 1 = 8। माइनस माइनस का इसमें कोई लोड नहीं। अब आप निकालेंगे 8 के फैक्टर्स, ठीक है, जो कि होंगे 2, 4, 8 और 1, ठीक है, ये चार फैक्टर्स आपके निकले 2, 4, 8 और 1। अब ये जो किया हमने पहली स्टेप लास्ट इनटू फर्स्ट कर दिया, कोफिशिएंट याद रखना, उसके फैक्टर्स निकाल जितने भी हो सकते फैक्टर्स सबको आते हैं। अब इन चार जो फैक्टर्स निकले, इन चार में से किसी दो की हेल्प के लिए, किस दो की मदद लिए, मदद के लिए बुलाना है, आओ भैया स्क्रिप्ट बुला देते, इन दो की किसी की दो की मदद लिए। मदद किस प्रकार लेनी है, मदद इस प्रकार लेनी है कि उसे प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस करके माइनस टू एक्स बनना चाहिए। ये है मदद का फंडा, कि मदद ऐसे लो कि बीच वाली टर्म बन जाए, वो भी माइनस, क्योंकि यहां माइनस है, तो वो कैसे लिए? पहले आप फर्स्ट वाले तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसमें कोई जोड़ नहीं। अब बनाना क्या है, माइनस टू एक्स। अच्छा ये मैं पहले बता देता हूँ, ये प्लस माइनस कुछ भी ले सकते, ये दोनों माने जाते हैं, ठीक है, मैंने बोला ना माइनस या प्लस दोनों की हेल्प ले सकते हैं। तो अब आप ही बताइए मुझे माइनस टू एक्स बनाना है, माइनस टू एक्स बनाना है, तो किन दो की मदद, मुझे सोचिए 4 और 2 की मदद लूंगा, क्योंकि 4 − 2 क्या होता है 2, 4 − 2 = 2, तो उससे बन जाएगा, फिर बना लेते हैं। देखिए प्लस 2x − 4x − 8, अब सोचेंगे ये क्या किया साथ है? देखो हेल्प अपन ने 2 और 4 की, पर मैंने क्या बोला था, हेल्प इस प्रकार लेनी कि −2x बच जाए, −2x, तो मैंने क्या किया +2x − 4x, प्लस माइनस माइनस और साइन आएगा बढ़ेगा, तो इसलिए −2x, ये याद रखना। उसके बाद आप कर दीजिए इन दो के पेयरिंग, अब 4x − 8, अब 4 आप कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x − 2, ये तो आपको आता ही है ना कि कैसे स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि यहां बाहर माइनस भी है तो ये हो जाएगा प्लस, याद रखना अगर मैं बाहर माइनस निकाल रहा हूं क्योंकि यहां माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, बेसिक मैथड। एक्स स्क्वायर में से मैं एक्स निकाल लूंगा तो एक्स प्लस टू बचेगा, देख लीजिए एक्स में, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक आ जाएगा एक्स प्लस टू, एक आ जाएगा एक्स माइनस टू, सिंपल सा। तो अब एक जीरो हो जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स हो जाएगा माइनस टू, और एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, −2, 4। मैंने बोला था शुरुआत में कि दो वैल्यूज आई क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आसानी को इतनी हाई लेवल ऑफ चीज तो नहीं है कि आपको समझ लीजिए, आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कैसे किया है। तो अब दो जीरोस आ चुके हैं,
जीरो फ्लॉक है। अब उसने बोला था रिलेशनशिप सेटिस्फाई करो, रिलेशनशिप मतलब वो रिलेशनशिप नहीं जो आप सब बोले नॉर्मल है रिलेशनशिप। देखो इसके लिए हमें ये दो चीजें याद रखनी पड़ती है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस मतलब ये दो की बात है, सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस टू प्लस फोर, सम का मतलब तो यही होता है माइनस टू प्लस दोनों इज इक्वल। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम देखेंगे माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स याद रखना माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो इसमें देखो या मैंने सिंपल सा ये भी लॉजिक बताया माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमारी जो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन दी हुई होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए, यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए। अब इसमें पहले तो आप बी देखिए, माइनस तो लगेगा क्योंकि माइनस पहले से बी बी है आपका माइनस टू, साफ साफ दिख रहा माइनस टू, तो मैं लिख दूंगा माइनस टू, याद रखना ये माइनस लगेगा ही लगेगा उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। एक यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कुछ नहीं है मतलब वन, तो अपॉन में वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा टू इज इक्वल्स टू कर दीजिए माइनस माइनस हो गया प्लस, देखो ए की रिलेशनशिप तो आपकी सेटिस्फाई हो गई ना, ऐसे कर दो। पर आपको ये याद रखना पड़ेगा माइनस बी अपॉन ए, या वैसे भी याद कर सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नीचे प्रोडक्ट क्या अंदर आते हैं, माइनस टू इंटू फोर प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टर्म मैंने यही बता दिया था यही होती है आप खुद माइनस एट, देखिए सी अपॉन ए ए वापस वन, तो अब ये हो जाएगा देखिए माइनस टू इंटू फोर एट इज इक्वल टू माइनस एट, तो ये भी रिलेशनशिप आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो इससे पता क्या चला, देखो जब हमारी रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाती है, जब हमारी रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने जीरो निकाले हैं माइनस टू और फोर ये दोनों जीरो सही निकले हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, आप खुद ट्राई करके देखें। तो ये आपका क्वेश्चन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, पहले आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके देखता हूं मैं तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है। तो आप इसको स्प्लिट करिए, इसके जीरोस निकालिए और वेरीफाई करिए रिलेशन, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलो तो ये आपका सॉल्यूशन। हाँ एक बात इसमें ध्यान रखना कि अरेंज आपको करना पड़ेगा इस फॉर्म, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत तरीके से सॉल्व। अब सॉल्व किया तो पहले सिक्स इंटू थ्री एटीन, जैसे स्प्लिटिंग में मिली थी हमने बताया एटीन के मैंने फैक्टर्स निकाले, हमको बनाना है माइनस सेवन एक्स जो कि बन रहा है नाइन और टू से नाइन माइनस टू से, तो मैंने वही किया प्लस टू एक्स माइनस नाइन एक्स क्योंकि माइनस का साइन चाहिए लिया मैंने। फिर हमने स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म लगाई तो आपने देखा नाइन और थ्री में से मैंने थ्री कॉमन निकाला और सिक्स और टू में से मैंने टू कॉमन निकाला, कॉमन निकाला आपको। और जब हमने ये फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स कैसे टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो पुट किया, माइनस थ्री उधर चले गए तो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री टू मल्टीप्लाई में तो नीचे चले गए एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन, वैसे ही यहाँ पर किया दो फैक्टर्स निकले थ्री अपॉन टू और माइनस वन अपॉन थ्री, सम ऑफ जीरोस किया तो हमें पता चला एलसीएम लेना पड़ा इसमें तो हमारा आंसर आया सेवन अपॉन सिक्स और यहाँ पर आया सेवन अपॉन सिक्स। हाँ इसमें एक प्रिकॉशन कि जब आप कंपेयर करें तो इस इक्वेशन से ना करें, ये याद रखना आप इस इक्वेशन से ना करें क्योंकि हमारी इंटरचेंज मतलब जो न्यू इक्वेशन थी वो ये वाली थी, तो इसलिए आपको कंपेयर इससे करना पड़ेगा नहीं तो आंसर गलत आ सकता। सेम मैंने प्रोडक्ट के साथ किया कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस है और उसका भी रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के और भी थोड़े बहुत पार्ट्स हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं तो आप आगे वो देखते हैं। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। अब आप इसमें देखेंगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में सी होना जरूरी है, तीन टर्म होना जरूरी है। अब सी तो है नहीं, सी को क्या माने, सी को हम मान सकते हैं कि जीरो, पर सी को जीरो मानकर हमारा क्वेश्चन कुछ बन नहीं पाएगा, हम इस पर स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगा ही नहीं, क्यों नहीं लगा पाएंगे, अगर मैंने जीरो लिया जीरो इंटू फोर जीरो ही हो जाए तो जीरो के फैक्टर्स क्या निकालते बैठे हुए। तो इसलिए इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या ट्रिक होती है, फोर और एट में मुझे दिख रहा है फोर में कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे तो देख रहा है फोर यू याद रहता है तो अंदर बचेगा यू प्लस टू, ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। अब इसी क्वेश्चन में आप जीरो ही रहता है आपको पता ही,
तो इन क्वेश्चंस में जिसमें हमारे को सी नहीं मिल रहता है, हम उसमें ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और एक हो जाएगा फोर यू इज इक्वल टू जीरो। ये यू की वैल्यू निकाले तो यू क्या आ जाएगा माइनस टू, यू क्या आ जाएगी जीरो अपॉन फोर जो कि होता है जीरो। तो यू के दो फैक्टर्स क्या आ गए माइनस टू कॉमा, ये दो फैक्टर्स हमको यू के मिल गए। अब यहां आ जाते सम ऑफ जीरोस पे, सम ऑफ जीरोस माइनस टू प्लस जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी, ये तो हमें दिख रहा है माइनस एट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि होगा फोर। तो माइनस टू प्लस जीरो तो हो जाएगा माइनस टू और ये भी हो जाएगा माइनस टू, ये मैंने काट दिया। तो एक रिलेशनशिप तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरे पे चलते प्रोडक्ट माइनस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है क्या कुछ नहीं है, जीरो लेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फोर जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर और ये भी जीरो 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 से जीरो, ये भी रिलेशनशिप हमारी सेटिस्फाई हो। तो इन क्वेश्चन पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो बहुत ज्यादा है। अब देखिए दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। अब पिछले वाले क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट टर्म मिलती जो कि सी होती है, इस क्वेश्चन में हमें सेकंड टर्म मिलिए जो कि है पी। ये कर क्या है सीबीएसई वालों, ऐसे क्वेश्चन बन रहे किसी में एक नहीं किसी में वो नहीं, तो इन क्वेश्चन को क्या करें। ये वाला थोड़ा अलग है, वो वाला तो फिर भी आसान था, ये वाला ध्यान दें। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैं अगर जीरो ले लूंगा तो वही स्प्रेडिंग में वाले टर्म लगाने में फायदा नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम टी स्क्वायर माइनस, मैं फिफ्टीन को रूट फिफ्टीन का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, आप ही बताइए। मैंने 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया, इससे हुआ क्या, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। अगर इसको काट देंगे तो वही ऊपर वाली बन जाएगी। अब हमने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी इसी चैप्टर में पढ़ी थी। तो मुझे साफ साफ दिख रही है यहाँ एक आइडेंटिटी देख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं लिख देता हूं इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे इन क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ता है थोड़ा सा ट्रिक लगा के, मैंने आइडेंटिटी को एक्सपांड कर दिया। तो आप जीरो निकाल लेते ए प्लस रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, एक में एक्सपांड कर ए माइनस रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू माइनस रूट फिफ्टीन और टी इज इक्वल टू रूट फिफ्टीन। तो t के दो जीरो क्या निकले माइनस रूट फिफ्टीन और रूट फिफ्टीन। रिलेशनशिप तो आपको आता ही सम ऑफ जीरो माइनस रूट फिफ्टीन प्लस रूट फिफ्टीन इज इक्वल कोफिशियंट ऑफ एक्स। अब भैया यहाँ तो कोफिशियंट ऑफ एक्स है ही नहीं, क्या लोगे मतलब क्या लोगे जीरो, कुछ भी नहीं तो जीरो ही लेना पड़ेगा। और यहाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, ये तो हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू पहले रिलेशनशिप तो सेटिस्फाई हो। दूसरी पे चलते प्रोडक्ट माइनस रूट फिफ्टीन इंटू रूट फिफ्टीन इज इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म तो आपको दिख रही है क्योंकि 15 माइनस 15 सॉरी माइनस 15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन। अब ये मल्टीप्लाई रूट इंटू रूट तो रूट से कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। ये भी आपकी रिलेशनशिप हो गई सेटिस्फाई। तो मुझे दो क्वेश्चन आपको अभी करना है, एक पिछला वाला और एक ये वाला, दोनों में थोड़ा देखना वैरायटी है। ये आपके एक्सरसाइज यही खत्म हो रही है, पर हाँ रुकना मैं आपको एक होमवर्क देते हुए जा रहा हूँ। आपको होमवर्क लिखना है, आपको याद से ये करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर सर माइनस एक्स माइनस फोर, अब ये आपको करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आप कर लेंगे मुझे आपके भरोसा है, देखना कैसे करते हैं फिर रिलेशनशिप भी आपको सेटिस्फाई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट, थैंक यू।